बेमेतरा ब्लॉक स्तरीय रसोईया संघ अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसका समर्थन किसान नेता योगेश तिवारी ने भी किया है। प्रदेश स्तरीय रसोईया संघ के आह्वान पर बेमेतरा तहसील के रसोईया भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिनका समर्थन करने पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निजी संस्थानों को कलेक्टर दर पर मानदेय देने का हवाला देती है, लेकिन विडम्बना की बात है कि सरकार खुद लागू नियमों को अमल करने में नाकाम है। किसान नेता तिवारी ने रसोइयों को प्रति माह दिए जाने वाले 1500 रुपए को काफी बताया। हम आ है जो रसोईया संघ है, विभिन्न तरह के लोग धरने पे बैठे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व है, आज इन लोगों को 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिला है। देख रहे हो बहनों के आंखों से आंसू आ रहा है नवरात्रि में। सरकार ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि श्रम कानून की बात करते हैं, 50 रुपए के हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है। 7 घंटा 8 घंटा मजदूर की तरह लोग काम करते हैं और ये लोग आज 4-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। लोग निमितीकरण की मांग कर रहे हैं या फिर इनको कलेक्टर दर्जन का भुगतान होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए 6 रुपए के दर से और हाई स्कूल के बच्चों के लिए 8 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से भुगतान करती है, लेकिन उनको आज भोजन जाकर देख सकते हैं, उनका भोजन का कोई ठिकाना नहीं है। कहीं सब्जी नहीं है, कहीं दाल नहीं है। इनको रोज पापड़ और अचार देने का है, हफ्ते में एक बार इनको मीठा देने का नियम है, लेकिन नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है। जितने मध्यांतर भोजन का जो ठेका है, बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके लोग चला रहे हैं और पूरा पैसे लोग डका जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके जायज मांग पूरा होना चाहिए। निकुग्र आंदोलन के हम लोग सब बात दे रहे हैं।